भाजपा के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी ने आज रविंद्र रैना के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना के लिए उपवास रखा। एक बयान में बीजेपी नेता जावेद कुरैशी ने कहा, उन्होंने कोविड-19 से सुरक्षा के लिए पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना के लिए उपवास रखा क्योंकि रविंद्र रैना कोविड-19 टेस्ट फिर से सकारात्मक आया। जावेद कुरैशी ने पार्टी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र रैना के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। जावेद कुरैशी ने कहा, पार्टी का पूरा नेता तो कार्यकर्ता हमारे पार्टी अध्यक्ष की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और कहा कि पार्टी को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके नेतृत्व की आवश्यकता है। आपने आज क्यों रोजे रखे? एक्चुअली आज हमने रोजे इसलिए रखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सिटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी जो बांडीपोरा के दौरे पे आए थे, जब हमारे वसीम बारी शहीद हुए थे उस टाइम पे वो वहां पे आए थे। जब वहां से वापस आए उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला था। आज मैंने इसीलिए ये रोजे रखे थे कि अल्लाह ताला से दुआ भी की कि बिल्कुल ये सेहतियाब हो जाए। तो आज दोबारा जब मैंने सुना कि हमारे रविंद्र रैना जी साहब के जो टेस्ट पॉजिटिव आया है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि सेहतियाब जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि कौम को ऐसे लीडरों की बहुत जरूरत होती है। दूसरा, रोजे इसलिए भी रखे कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान हो। जो पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर का बेशतर इलाके जहां पे बहुत सारे कत्ल गारत हुई है, अल्लाह करे कि इसके बाद न हो, और जो हमारी ईद आने वाली है, अल्लाह करे ये अमन और अमन व अमान लेकर